इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी। सर, आप लोगों ने राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठाया, उधर जो बिहार की विधानसभा में भी बीजेपी के तमाम विधायक इस मुद्दे को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार गुस्से में नजर आ रहे हैं। नहीं देखिए, जब आदमी को लगता है कि वो हार रहा है, वो विफल हो रहा है, फेलियर है, फ्रस्ट्रेशन है, ये नीतीश कुमार की हताशा और निराशा का ये परिणाम है। नहीं तो मैंने कभी 15 साल में नीतीश कुमार को इस प्रकार से गुस्से में नहीं देखा। और क्या विपक्ष के नाते क्या हमारा ये दायित्व नहीं है कि अगर 40 लोग मर गए जहरीली शराब से और सरकार उसको छिपाने का प्रयास कर रही है, सरकार कह रही है कि नहीं अज्ञात बीमारी से लोगों की मौत हुई है, जबकि सच्चाई ये कि पिछले 6 साल में 1000 से ज़्यादा लोग केवल जहरीली शराब पीने से मर चुके हैं। प्रतिदिन 1545 लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, 4 लाख लोग जेल जा चुके हैं, जो न्यायपालिका उसके बाद दूसरा कोई काम नहीं, केवल बेल देना यही एकमात्र काम बचा है। और जब पुलिस महकमा वो लॉ एंड ऑर्डर के बजाय वो शराबबंदी को रोकने में लगे और वो विफल हो रही है, इसलिए इस विफलता का सेहरा उनको अपने स्वीकार करना चाहिए। और बीजेपी को गालियां देने के बजाय कैसे शराबबंदी को ठीक से लागू किया जाए, ये दायित्व तो मुख्यमंत्री का बनता है। सर, एक ऐसे राज्य में शराब जहरीली शराब से मौत हो रही है जहाँ पर शराबबंदी लागू है, अपने आप में कई तरह के सवाल है। हालांकि नीतीश कुमार कह रहे हैं इंक्वायरी होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अरे भाई, 1000 लोग मर चुके हैं, कम से कम 40 से ज़्यादा घटना घट चुकी है, क्या हुआ इंक्वायरी का, कितने लोगों को सजा मिली? और आप पीने वालों को सजा दे रहे हैं, और जो सप्लायर्स हैं, जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं, जो माफिया हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? होम डिलीवरी करने वाले कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? तो जो पीने वाला आदमी है वो तो गरीब आदमी है, तो उसको गिरफ्तार करने के बजाय आपको तो जो सप्लाई जहाँ से हो रही है उसको रोकने का काम करना चाहिए। तो हो कैसे रही सप्लाई फिर? नहीं, हो कैसे रही तो सरकार बताएगी, पुलिस महकमा तो उनके पास है। लेकिन उसका एक बड़ा कारण कि पूरा पुलिस महकमे की कमाई का एक ये जरिया बन गया। पुलिस के पास जो ताकत है वो चाहे तो रोक सकती है, लेकिन एक पैरेलल अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है। और अभी तो एक नया संकट पैदा हो गया बिहार में कि मादक द्रव्यों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर बिहार में बढ़ता जा रहा है। हाईकोर्ट ने यहाँ तक टिप्पणी की है कि बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है अवैध शराब के व्यापार में, महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसलिए ये तो उनका दायित्व है कि इसको कैसे रोकेंगे। हम मुख्यमंत्री के साथ हैं शराबबंदी के मुद्दे पर, बीजेपी मुख्यमंत्री के साथ है शराबबंदी के मुद्दे पर, लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की है कि आखिर एक ऐसे राज्य में जहाँ पर शराबबंदी लागू है इस तरीके से शराब मिल कैसे रही और मौतें क्यों हो रही हैं, ये कहना बीजेपी सांसद सुशील मोदी का। अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज़ दिल्ली।